फरुखनगर के गांव खवासपुर के खेत में लगी आग। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, 2 एकड़ गेहूं की फसल में लगी आग। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, फसल को एक जगह किया गया था इकट्ठा। आपके कारणों का नहीं पता चला अभी तक। गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर, फरुखनगर के गांव खवासपुर में गेहूं के खेत में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आकर आग पर किया काबू। फरुखनगर के गांव खवासपुर के खेत में आग लगी है, जहां पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बिजेंद्र कुमार यहां पर जुड़ गए हैं। बिजेंद्र, खेत में आग लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये खवासपुर की घटना है। फरुखनगर का ये इलाका है जहां पर 2 एकड़ फसल की गेहूं की और उसको इकट्ठा किया गया था और अचानक उसमें रात को आग लग गई, जिसका अभी कारणों का पता नहीं लग पाया, लेकिन किसान की जो मेहनत थी पूरी वो राख हो गई है। फिलहाल फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची थी और उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी फिलहाल कारणों को तलाशा जा रहा है, क्योंकि जो 2 एकड़ की फसल थी गेहूं की, काफी मेहनत करता है किसान और उसके बावजूद इस तरह की घटना सामने आती है तो काफी दुखदायी होती है। फिलहाल अगर किसान का बीमा होगा तो उसको जरूर मुआवजा दिया जाएगा। जी, इस तरह की बात भी सामने आती है। जानकारी के लिए गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसान की मेहनत कहीं ना कहीं खाक हो गई है। फरुखनगर के गांव खवासपुर में खेत में ये आग लगी है। 2 एकड़ की खड़ी फसल जो कटी हुई थी, एक जगह पर इकट्ठा की गई थी, उसमें आग लग गई, जिसके बाद ये गेहूं की फसल किस तरीके से खाक हुई है ये सामने तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा। फसल को एक जगह पर इकट्ठा किया गया था।